तो HTTP प्रोटोकॉल क्या होता है? जनरली हम लोग किसी भी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं सब आपस में लिंक होते हैं, तो वहाँ से हम लोग को इंफॉर्मेशन एक्सेस कैसे होता है वो सारा चीज़ हैंडल करता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितने भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको सर्वर तक पहुँचाना और सर्वर से रिस्पॉन्स लाना, ये जिम्मेदारी होती है HTTP की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलाबोरेटिव हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज द फाउंडेशन फॉर डेटा कम्युनिकेशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज इंटरनेट। सिंस 1990 HTTP इज ए जेनरिक एंड स्टेटलेस प्रोटोकॉल विच कैन बी यूज फॉर अदर पर्पसेस एज वेल यूजिंग एक्सटेंशन ऑफ द रिक्वेस्ट मेथड एरर कोड्स एंड हेडर्स। ठीक है, यहाँ पे जनरली फाउंडेशन इसका कब हुआ था? 1990 में हुआ था, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब के साथ डेटा कम्युनिकेशन जब पॉसिबल हो पाया, ठीक है, तो उस समय इस HTTP प्रोटोकॉल को इंट्रोड्यूस किया गया। और वहाँ पे जैसे कोई भी प्रोटोकॉल डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के लिए, कोलाबरेटिव नेटवर्क के लिए या फिर हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए बनाया गया, तो वहाँ पे सबसे पहले इस हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज़ किया गया था। तो ये एक ऐसा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जो आज तक जैसा उस समय बनाया गया था वैसा ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड वैसा ही यूज़ हो रहा है, साथ में एरर कोड्स जो होते हैं, हेडर्स जो होते हैं, सारे के सारे यहाँ पे हम लोग को मिल जाते हैं, और इसके कुछ बहुत सारे एक्सटेंशंस भी मिल जाते हैं हम लोग को। बेसिकली HTTP इज ए TCP/IP बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू डिलीवर डेटा, HTML फाइल्स, इमेज फाइल्स, क्वेरी रिजल्ट्स एक्सेट्रा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। द डिफॉल्ट पोर्ट इज TCP/AT। ओके, तो TCP/IP बेस्ड प्रोटोकॉल होता है HTTP, जो डिलीवर करता है HTML फाइल्स, इमेज फाइल्स, क्वेरीज, क्वेरी रिजल्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन स्ट्रिंग्स भी पास करता है, और भी अदर स्ट्रिंग्स यहाँ पे इस HTTP के फॉर्म पे ही किसी भी वेब सर्वर तक पहुँचते हैं, और इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है 80। ठीक है, और हमेशा TCP/IP प्रोटोकॉल का ही यूज़ करता है जो HTTP है। ठीक है, कभी भी UDP यूज नहीं होगा, हमेशा यहाँ पे TCP/IP प्रोटोकॉल का ही यूज होगा। बट अदर पोर्ट्स कैन बी यूज एज वेल। ठीक है, पोर्ट नंबर 80 के अलावा भी हम लोग बहुत सारे यहाँ पे पोर्ट्स यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्टैंडर्डाइज्ड वे फॉर कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। HTTP स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइज हाउ क्लाइंट्स रिक्वेस्ट डेटा विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड सेंट ओवर द सर्वर एंड हाउ द सर्वर रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, HTTP जो होता है वो जनरली क्लाइंट्स के लिए होता है, और क्लाइंट जो हमारा, जैसे कि क्लाइंट जो है हमारा वेब ब्राउजर है, तो वेब ब्राउजर वो रिक्वेस्ट कैसे बनाएगा और कैसे उसको सेंड करेगा, मीन्स जो रिक्वेस्टेड डेटा है उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा और सेंड करेगा वेब सर्वर तक। ठीक है, और वेब सर्वर जो रिस्पॉन्स करेगा उसको कैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा अपने क्लाइंट पे, वो सारी चीज़ें HTTP करता है। और इतना फास्ट प्रोसेस होता है, जितनी हमारी कनेक्शन की स्पीड रहेगी उतना फास्ट ये प्रोसेस करेगा, और पूरा सारे चीज या तो पूरा पूरा कंप्लीट कर लेगा क्लाइंट साइड में, या तो जब रिस्पॉन्ड की बात आएगी तो पूरा वेब सर्वर से वो कंप्लीट होके वो यहाँ पे आता है। बेसिक फीचर्स, तो यहाँ पे तीन टाइप के बेसिक फीचर्स होते हैं। HTTP इज कनेक्शनलेस, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट, HTTP इज स्टेटलेस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग HTTP इज कनेक्शनलेस। द HTTP क्लाइंट दैट इज ए ब्राउजर इनिशिएट्स एन HTTP रिक्वेस्ट एंड आफ्टर ए रिक्वेस्ट इज मेड द क्लाइंट वेट्स फॉर ए रिस्पॉन्स। द सर्वर प्रोसेसेस द रिक्वेस्ट एंड सेंड्स ए रिस्पॉन्स बैक आफ्टर विच द क्लाइंट डिस्कनेक्ट द कनेक्शन। सो क्लाइंट एंड सर्वर नोज अबाउट ईच अदर ड्यूरिंग द क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ओनली।
Further requests are made on the new connection, like client and server are new to each other. ठीक है, अब देखो, अगर मान के चलो कोई भी ब्राउजर इनिशिएट होता है, ब्राउजर इनिशिएट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग यू आर एल बार पे क्लिक करते हैं, अगर मैं इसमें बताऊं तो जैसा ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस यूआरएल बार पे क्लिक किया, ठीक है, यूआरएल बार पे क्लिक किया तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा किसके साथ, जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसको यूज करके वो क्या करेगा, इसके साथ कनेक्शन को इस्टेब्लिश करेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कोई भी यूआरएल डाल रहा हूँ, www.gmail.com में डालता हूँ, ठीक है, जैसे ही जीमेल डाला और मैं यहाँ पे हिट किया, ठीक है, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड हुआ और वहां से मुझे रिस्पांस यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे HTML फाइल ट्रांसफर हुई है, ठीक है, HTML फाइल ट्रांसफर हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि जो रिक्वेस्ट सेंड होता है, ठीक है, ये एक कनेक्शन लेस होता है। कनेक्शन लेस मीन्स क्या होगा, यहाँ पे कोई कनेक्शन हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा, जैसे ही रिक्वेस्ट सेंड हुआ और रिस्पांस आया उतने ही देर तक कनेक्शन होगा। नया रिक्वेस्ट सेंड करेंगे मतलब जितने बार हम लोग कोई लिंक को क्लिक करेंगे या फिर कोई एक नया यूआरएल खोलेंगे, हर बार कनेक्शन नया नया होगा। तो यही होता है कनेक्शन लेस, मीन्स जितने भी हम लोग क्लिक करेंगे हर बार नया कनेक्शन बनेगा, रिस्पांस आएगा, कनेक्शन क्लोज, देन उस पर अगर कोई न्यू यूआरएल हम लोग खोल रहे हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, रिक्वेस्ट सेंड होगा, वहां से रिस्पांस आएगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP जो होता है हमेशा कनेक्शन लेस स्ट्रेटेजी को यूज करता है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट, इट मीन्स एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी सेंट बाय HTTP एज लॉन्ग एज बोथ द क्लाइंट एंड द सर्वर नो हाउ टू हैंडल द डेटा कंटेंट। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लाइंट एज वेल एज द सर्वर टू स्पेसिफाई द कंटेंट टाइप यूजिंग अप्रोप्रिएट MIME टाइप, ठीक है, MIME भी हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है, MIME जो एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे HTTP जो है मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, हम लोग किसी भी तरह का फाइल सेंड कर सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन का हो, कोई भी फॉर्मेट का हो, हम लोग HTTP के माध्यम से हम लोग उसको सेंड कर सकते हैं, क्लाइंट से वेब सर्वर और वेब सर्वर से क्लाइंट तक, क्लाइंट जो हमारा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर तक और वेब सर्वर से क्लाइंट तक। वो क्लाइंट को भी पता होता है कि उसको कैसे हैंडल किया जाना है, उस जो भी फाइल फॉर्मेट हमारा, PDF फॉर्मेट हो, ऑडियो फॉर्मेट हो, वीडियो फॉर्मेट हो, सब चीज उस क्लाइंट के अंदर अवेलेबल होता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको या तो डिस्प्ले करना होगा या तो उसको सेंड करना होगा, सारा चीज ये क्लाइंट और वेब सर्वर दोनों के पास सारे एल्गोरिथम, सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती है, तो उसको वो बेटर वे में वो उसको हैंडल कर सकता है। तो HTTP इज़ ए मीडिया इंडिपेंडेंट, कोई भी मीडिया पे डिपेंड नहीं करता, वो हर फॉर्मेट को सपोर्ट करेगा, किसी भी टाइप का डेटा हम लोग सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। थर्ड आता है, HTTP इज स्टेटलेस, as mentioned above HTTP is a connectionless and it is a direct result of HTTP being a stateless protocol. The server and client are aware of each other only during a current request. Afterwards both of them forget about each other due to its nature of the protocol. Neither the client nor the browser can retain information between different requests across the web pages. Okay? ये एक ऐसा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है जिसमें हम लोग, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, मींस कनेक्शन लेस स्ट्रेटेजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई भी कनेक्शन तब तक ही होगा जब तक हम लोग को रिस्पांस नहीं मिल जाता, जैसे रिस्पांस मिला 100% अगर रिस्पांस आ गया है
तो हम लोग का कनेक्शन वहीं पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के बारे में तब तक जानेंगे जब तक वो रिक्वेस्ट को फुलफिल ना कर ले, मतलब पूरा का पूरा रिस्पांस नहीं आया, उसके बाद दोनों के कनेक्शन खत्म, दोनों एकदम अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये जो नेचर है एक प्रोटोकॉल का, ठीक है, वो क्लाइंट और ब्राउजर जो होगा दोनों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है। मतलब मान के चलो आजकल के ब्राउजर जो है वो हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, लेकिन हिस्ट्री मेंटेन करना मीन्स वो यूआरएल कौन सा हमने खोला था और कौन कौन से लिंक पे गए थे हम लोग, वो उसी की हिस्ट्री रखता है। कनेक्शन कौन से सर्वर से इस्टेब्लिश हुआ था या फिर कितना ड्यूरेशन था उसका, वो सारी चीज़ें कोई मतलब की नहीं होती है। ठीक है, तो HTTP से स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा बेसिक फीचर, तीन टाइप के फीचर होते हैं, HTTP इज कनेक्शन लेस, HTTP इज मीडिया इंडिपेंडेंट, HTTP इज स्टेटलेस। बेसिक आर्किटेक्चर देखो, यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल होता है और वेब क्लाइंट और वेब सर्वर के बीच में होता है। ठीक है, दोनों के बीच में HTTP प्रोटोकॉल काम करता है। तो वेब क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और वेब सर्वर क्या करेगा, रिस्पांस देगा। ठीक है, अब ये रिस्पांस वेब सर्वर से कैसे जनरेट होता है, ठीक है, अब वेब सर्वर के अंदर होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट मतलब एक ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू रिस्पांस जनरेट किया जाता है। अगर मान के चलो हम लोग को रेलवे रिजर्वेशन करना है तो हम क्या करते हैं, IRCTC की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट देते हैं। क्या रिक्वेस्ट देते हैं कि हम लोग को जो भी सोर्स है और डेस्टिनेशन है, जैसे मान लो दुर्ग है, दुर्ग टू नागपुर, दुर्ग हम लोग इनपुट दिए, नागपुर हम लोग ने इनपुट दिया। ठीक है, और वहाँ एक बटन दबाते हैं सर्च और हम लोग एक डेट डाल देते हैं वहाँ पे। उस डेट के लिए जितनी ट्रेन्स अवेलेबल होगी वो हम लोग को दिख जाता है। तो यहाँ से हम लोग इनपुट में क्या दिए, सोर्स दे दिए और डेस्टिनेशन दे दिए और डेट हम लोग दे दिए। तो उस डेट पे जितनी भी ट्रेन्स होंगी वो हम लोग को डिस्प्ले करके देता है। हम लोग ने दो इनपुट दिया, अब वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट ने उसको प्रोसेस किया। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो होते हैं ऐसी स्क्रिप्ट होती है जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जितने होते हैं मैक्सिमम, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट के लिए अगर बोला जाए तो PHP, ठीक है, पाइथन, JSP, ASP.NET, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हैं। ये सारे जो है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं और सर्वर पे ही एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली जुड़ा होता है डेटाबेस, डायरेक्टली जुड़ा होता है डेटाबेस। अब वेब क्लाइंट यहाँ से क्या किया, इनपुट दे दिया, दो इनपुट दिया। ठीक है, कौन कौन से, सोर्स और डेस्टिनेशन। अब उस सोर्स और डेस्टिनेशन के अंदर वो डेटाबेस में चेक करेगा कि इतने ट्रेन्स अवेलेबल है, उतने ट्रेन्स अवेलेबल है, और वो यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले करके दिखा देगा, मतलब फैच करके ले आएगा वहाँ से डेटाबेस से। तो डेटाबेस से फैच कौन कर रहा है, डेटाबेस से फैच कर रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट जो है वो डेटाबेस से फैच करेगा और वेब सर्वर उसको रिस्पॉन्स दे देगा वेब क्लाइंट को।